आज तक गुजरात में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे की। चुनावी मौसम में संदेश खाली सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। संदेश खाली की पिच पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ममता सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आए। पीएम मोदी का 10 दिनों के अंदर बंगाल का ये तीसरा दौरा था। सवाल अब यह है कि संदेश खाली को सियासी हथियार बनाकर क्या बीजेपी मिशन 35 का टारगेट पूरा कर पाएगी? आखिरकार सीबीआई को संदेश खाली के खलनायक शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई। अब सीबीआई टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख की क्राइम कुंडली खंगाले। इससे पहले आज कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा जब हाईकोर्ट ने कहा कि आज ही बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करना। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर ईडी टीम पर हमले के आरोपी और संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले दो महीने से चुनावी मौसम में नॉर्थ 24 परगना का संदेश खाली बंगाल की लड़ाई का एपिसेंटर बना हुआ है। जिस तरह से संदेश खाली में कई महिलाओं ने टीएमसी ऑफिस में शाहजहां शेख पर यौन शोषण और जमीनों पर कब्जे के आरोप लगाए, उससे टीएमसी बैकफुट पर दिख रही है और बीजेपी ने संदेश खाली को चुनावी हथियार बना लिया है। पीएम मोदी ने बंगाल में विजय का बिगुल तो पहले ही बजा दिया, लेकिन बीजेपी का टारगेट है कि बंगाल की 42 सीटों में वो 35 सीटों पर भगवा परचम लहराए। इसीलिए पीएम ने बंगाल की कमान खुद अपने हाथ में ले रखी। पीएम 10 दिन के अंदर बंगाल के 3 दौरे कर रहे हैं। पहले वो 1 मार्च को आए और बंगाल में रात्रि प्रवास किया। उसके बाद पीएम ने आज बंगाल को अंडर वाटर मेट्रो के साथ करोड़ों की सौगात दी। अब पीएम 3 दिन बाद यानी 9 मार्च को फिर बंगाल आ रहे हैं। आज भी संदेश खाली की सियासी पिच पर पीएम मोदी ममता सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। टीएमसी घोर पाप कोरे छे, संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं। इतना नहीं, पीएम मोदी ने संदेश खाली की 5 महिलाओं से मुलाकात भी की। पीएम ने महिलाओं का दर्द साझा किया और उनसे कहा कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं। एक तरफ संदेश खाली में महिलाओं पर जुल्म हो रहा था, दूसरी तरफ पीएम मोदी का बारासात में महिलाएं जोरदार स्वागत करती दिखाई दी। देखिए कैसे बारासात में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिलाओं ने पीएम मोदी का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भारत माता की। पीएम मोदी ने मोबाइल टॉर्च जलाकर भारत माता की जय के नारे भी लगवाए। भारत माता की। इसके बाद बारी आई संदेश खाली में महिलाओं पर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। पीएम ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो मूक दर्शक बनी। एमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे, टीएमसी घोर पाप कोरे छे।
संदेश थाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। बारासात में पीएम मोदी ने बंगाल की मां बेटियों को अपना परिवार बताकर विरोधियों पर जोरदार वार किया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने कहा कि बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर संदेश खाली पर अपनी सियासत चमका रही। आज जे भावे सब चलछे आमरा चाहि इम्पार्शियल इलेक्शन, आमरा बीजेपी इलेक्शन चाहि ना, आमरा इम्पार्शियल इलेक्शन चाहि। बांग्ला एकमात्र जायगा जेखाने इम्पार्शियल इलेक्शन हय। আর বাংলায় এসে যারা বড় বড় কথা বলছে তাদের আমি বলবো, একবার উত্তর প্রদেশে যান, গত পরশুদিনও দুটো নাবালিকাকে খুন করে তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে। একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। বিজেপির মনগড়া কিছু দাঙ্গার ছক, কিছু দাঙ্গার আন্দোলন দিয়ে বাংলার মা বোনদের যে অসম্মান করার চেষ্টা করা হচ্ছে এতে বাংলার মা বোনেরা খুশি নয়। বিজেপি জানতি হ্যায় কি আগর উসে 370 কা টার্গেট পুরা করনা হ্যায় অর দেশ মে এনডিএ কো 400 পার করনা হ্যায় তো উসকে লিয়ে বঙ্গাল মে বড়ি বিজয় জরুরি হ্যায়। কলকাতা সে অনুপম মিশ্র কে সাথ সূর্যাগ্নি রয়, বারাসাত আজ তক। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार का मामला गुजरात में भी गरमाया है। सूरत में आपको बता दें कि नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के बाहर ममता सरकार का पुतला फूंका गया। एबीवीपी ने अपना विरोध जताया है। यहां पर ममता सरकार से इस मामले पर माफी की मांग की गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। यूनिवर्सिटी में मुख्य गेट के बाहर एबीवीपी ने रामधुन का जाप भी किया और टीएमसी सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। जो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली नामक जो विस्तार है उस विस्तार में ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा जो बहनों और माताओं पर जो प्रकार के अत्याचार, बलात्कार और जो रेप की घटनाएं बन रही है उस विषय को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध प्रदर्शन। अब बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। कल यानी कि गुरुवार को राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरात प्रवेश करेगी। दाहोद के झालोद में यात्रा का स्वागत गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता करने वाले हैं। गुजरात में चार दिनों की इस यात्रा से कांग्रेस को मतदाताओं के रुख में बदलाव की उम्मीद है। हालांकि ये यात्रा दक्षिण गुजरात के आदिवासी बहुल इलाकों तक ही ज्यादातर सीमित रहेगी। राहुल गांधी जोड़ो 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 जोड़ो, हमारे बीच में हमारे नेता राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार में राहुल गांधी एक बार फिर मोदी सरकार पर गरजे। आदिवासियों को देश का मालिक बताया और जल जंगल जमीन के हक की याद दिलाई। राहुल की सभा में उमड़ी भारी भीड़ ने उनकी हर बात पर जमकर तालियां बजाई। आपका मूड कैसा है? दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल इलाकों से गुजर रही है। बुधवार को धार के बदनावार की सभा में आदिवासी मतदाता बड़ी तादाद में थे तो राहुल गांधी आदिवासियों के मुद्दे पर जमकर बोले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र की सरकार को जमकर घेरा। 1-2% लोग हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे, क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? अरे वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, दिए वो। मध्य प्रदेश के बाद गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बांसवाड़ा होते हुए गुजरात में प्रवेश करेगी। गुरुवार दोपहर 3 बजे न्याय यात्रा गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके दाहोद के झालोद पहुंचेगी। झालोद में गुजरात कांग्रेस के सभी बड़े नेता यात्रा का स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। बुधवार को ही गुजरात कांग्रेस के अधिकतर नेता दाहोद पहुंच चुके हैं। कल से 4 दिनों के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में होगी। खास बात यह होगी कि गुजरात में गठबंधन की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता यात्रा में साथ दिखेंगे। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी के बीच में फोन पर बात हुई थी जिसमें ये सहमति हुई है कि दोनों पक्षों के नेता साथ में दिखेंगे। भाजपा बहुत डरी हुई है, न काम के नाम पे तो उन्होंने
वोट बटोरने की कोशिश इसलिए नहीं की है क्योंकि काम की जगह कारनामे किए हैं भाजपा ने, और जब डरी हुई है भाजपा तब ये भाजपा कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने बीजेपी के नेताओं को गाली देने में कोई कसर नहीं रखी है, उनको डर दिखा के दूसरे हाथ में लालच दिखा के खरीदने की कोशिश कर रही है भाजपा, यही दिखाता है। भावनगर और भरूच की सीट पर गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चेतर बसावा चुनावी मैदान पर हैं। राहुल गांधी की यात्रा जब भरूच से गुजरेगी तब माना जा रहा है कि चेतर बसावा भी यात्रा से जुड़ेंगी। आपको बता दें कि गुजरात में यात्रा 7 जिलों में 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी 6 पब्लिक मीटिंग, 27 कॉर्नर मीटिंग करेंगे। इस दौरान 70 से ज्यादा स्थान पर यात्रा का स्वागत किया जाएगा और गांव पद यात्रा का आयोजन भी होगा। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी कम्बोई धाम, पावागढ़ मंदिर, हर सिद्धि माता जी मंदिर और स्वराज आश्रम की यात्रा भी करेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता राहुल गांधी का स्वागत करेंगी और पावागढ़ के पास गरबा खेलकर स्वागत होगा। अब हम आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पूरा शेड्यूल बताते हैं। 7 मार्च पहला दिन दोपहर 3 बजे यात्रा झालोद में प्रवेश करेगी। 3:30 बजे कांकसिया सर्कल पर यात्रा और सभा होगी। 6:00 बजे यात्रा कम्बोई धाम पहुंचेगी और रात्रि विश्राम होगा। 8 मार्च दूसरा दिन 8:00 बजे दाहोद से स्वागत के बाद पद यात्रा शुरू होगी। 10:00 बजे लिमखेला चौक पर स्वागत होगा। 11:00 बजे पीपलोद में यात्रा का स्वागत। 11:30 बजे गोत्रा में कॉर्नर मीटिंग होगी। 12:00 बजे से लेकर 2:00 तक लंच ब्रेक होगा। 2:00 से कलोल से यात्रा दोबारा शुरू होगी। 3:00 पावागढ़ में यात्रा का स्वागत किया जाएगा। राहुल गांधी पावागढ़ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। 4:00 शिवराजपुर होते हुए यात्रा जाम्बू घोला की ओर आगे बढ़ेगी। 6:00 जाम्बू घोला पहुंचकर रात्रि विश्राम होगा। तीसरा दिन 8:00 बोडेली से यात्रा शुरू होगी। 11:00 केवड़िया में यात्रा का स्वागत और कॉर्नर मीटिंग का कार्यक्रम है। 12:00 से लेकर 2:00 तक लंच ब्रेक। 2:30 नेत्रांग से यात्रा शुरू होगी। नेत्रांग से यात्रा भरूच पहुंचेगी। भरूच में यात्रा का स्वागत और कॉर्नर मीटिंग तय है। भरूच के बाद झंकवाव में यात्रा का स्वागत और कॉर्नर मीटिंग होगी। फिर 6:00 यात्रा मालदा फाटा चौराहे पर पहुंचेगी। यहां पर यात्री रात्रि विश्राम करेंगे। 10 मार्च चौथा दिन 8:00 मांडवी सूरत से यात्रा शुरू होगी। यात्रा 11:00 बारडोली में स्वराज आश्रम पहुंचेगी। इस आश्रम में महात्मा गांधी कई महीनों तक रहे थे। बारडोली में कॉर्नर मीटिंग का भी कार्यक्रम है। यहां से यात्रा पहुंचेगी जहां यात्रा का स्वागत किया जाएगा। यहां से पदयात्रा का भी कार्यक्रम है। ब्यारा के पुराने बस स्टैंड के पास कॉर्नर मीटिंग तय है। 11:00 से 2:30 यात्रा सोनगढ़ पहुंचेगी। राहुल गांधी 3:30 सोनगढ़ के पास कॉर्नर मीटिंग करेंगे। इसके बाद न्याय यात्रा नंदुरबार के रास्ते महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। और जैसी सियासी हलकों में चर्चाएं चल रही थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के गुजरात में प्रवेश करने से ठीक पहले, एक और कांग्रेस के विधायक ने आज अपना इस्तीफा सौंपा है। गुजरात कांग्रेस के विधायक अरविंद ने गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। गुजरात के माणावदर से कांग्रेस के विधायक अरविंद लाड़ानी ने गुजरात भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल के साथ बैठक के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया था। अरविंद ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान भी कर दिया है साथ ही। और इन तमाम घटनाक्रम पर गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी गुजरात आ रहे हैं उसकी चिंता उनकी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को है, वो चिंता में है। आए हैं तो ये क्या नया करके जाएंगे, ये दुविधा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हमारी संवेदना कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं के साथ जरूर से है, लेकिन इसकी कोई भी दवाई ये देश के कोई भी डॉक्टर, दुनिया के कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना पाएंगे। मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। अब हम आपको लिए चलते हैं राजकोट, जहां से टिकट मिलने के बाद गुजरात बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जोरदार अंदाज में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। गुजरात में बीजेपी हर मोर्चे पर पूरी रणनीति के साथ कदम रख रही है। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जनता की नब्ज टटोलने में लगी है, ताकि वक्त रहते जनता का मूड और चुनाव से पहले अपनी खामियों पर काम कर सके।
गुजरात की 26 लोकसभा सीट में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, जिनमें राजकोट एक ऐसी सीट है जिसमें केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला चुनावी मैदान पर हैं। पुरुषोत्तम रूपाला उम्मीदवार के तौर पर पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र राजकोट पहुंचे, जहां उन पर गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत हुआ। राजकोट में दस्तक देते ही रूपाला ने 24 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ 7 कार्यक्रम कर चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। राजकोट से लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में चयनित करने का उन्होंने काम किया। मुझे पसंद करने के कारण मैं राजकोट जैसी हमारे सौराष्ट्र की बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी से कार्यकर्ता के रूप में उम्मीदवार के रूप में यहां से मुझे लड़ने का अवसर दिया। राजकोट लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। दो बार के सांसद रहे मोहन कुंडारिया का टिकट काटकर बीजेपी ने यहां जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है, क्योंकि राजकोट लोकसभा सीट पर कड़वा पाटीदार समाज का वोट बैंक ज्यादा है। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने कड़वा पाटीदार से आने वाले पुरुषोत्तम रूपाला को मैदान पर उतारा है। बीजेपी हाईकमान ने रूपाला को राजकोट से उतारकर अंदरूनी कलह को खत्म करने का भी काम किया है, क्योंकि इस सीट पर कई बड़े चेहरे अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। गुजरात बीजेपी का गढ़ है और प्रधानमंत्री मोदी का मॉडल प्रदेश भी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सबकी निगाहें गुजरात पर रहेगी। ऐसे में बीजेपी पिछली बार की तरह 26 की 26 लोकसभा सीटों पर बड़े मार्जिन से चुनाव जीतना चाहती है। सवाल है कि कांग्रेस यहां पर कौन से चेहरे पर दाव चलती है, देखना दिलचस्प होगा। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। गुजरात के सरकारी कर्मचारी सरकार को उनसे किए पुराने वादे याद दिला रहे हैं। अहमदाबाद में राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी बकाया मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन को समाप्त करते हुए गुजरात सरकार ने कर्मचारियों की उनकी सभी मांगों को मान लेने का भरोसा दिया था, लेकिन जब एक साल से ज्यादा वक्त गुजर गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारियों को पेन डाउन स्ट्राइक का रास्ता अपनाना पड़ा। अहमदाबाद में बोनसाई महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बोनसाई एक साथ नजर आ रहे हैं। इस मेले में 50 से 100 साल की उम्र के 750 बोनसाई देखने को मिलेंगे, जिसमें जैतून, बरगद, पीपल जैसे तमाम पेड़ शामिल हैं। बोनसाई वो पौधे होते हैं जिनकी आकार को छोटा कर दिया जाता है, मगर वो बड़े आकर्षण नजर आते हैं। इन पेड़ पौधों का आकार पौधे को बहुत आसानी के साथ इसके आकार की वजह से आप अपने घरों में उगा सकते हैं, चाहे वो बरगद का पेड़ है, चाहे वो पीपल का पेड़ है। बहुत आसानी के साथ छोटे से गमले में ये आपके घर में उग सकता है। पेड़ पौधों की एक ऐसी हरी भरी दुनिया जिसकी खूबसूरती में आप खुद को खोने से नहीं रोक सकेंगे। अहमदाबाद में इन दिनों एक ऐसा ही महोत्सव हो रहा है जहां बोनसाई पेड़ों की बेहद खूबसूरत दुनिया बसाई गई है। किसी की उम्र 15 साल, किसी की 40 साल, तो कोई उससे भी ज्यादा। इस प्रदर्शनी में बोनसाई की अलग अलग प्रजातियां और अलग अलग पेड़ मौजूद है। बोनसाई पेड़ों की ये प्रदर्शनी देश में पहली बार जेन गार्डन थीम पर बनाई गई है। इंडिया में इस तरह से लैंडस्केप के साथ पहली बार ये ओपन में प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें कई एक साल से लेके 1200 साल तक पुराने इसमें पौधे डिस्प्ले में रखे गए हैं। 4 मार्च से शुरू हुआ ये महोत्सव 10 मार्च तक चलेगा, जिसमें आपको बोनसाई की अलग अलग 750 किस्में देखने को मिल सकती हैं। आपको बता दें कि बोनसाई पेड़ का बौना रूप होता है, जिनकी उम्र 100-150 साल से ज्यादा की भी होती है। जाहिर इनका आकार भी विशाल होता है, लेकिन आप कुछ खास तकनीक से इन पौधों की लंबाई रोक कर इन्हीं सालों तक अपने घरों में रख सकते हैं। बोनसाई की एक ऐसी कला है कि जिसमें आप बड़े पौधे को, बड़े जो हो रहे उस प्रति के प्रकार के पौधे को उस ट्रीटमेंट करके छोटे रखे जा रहे हैं, जिसकी आपको बड़े पेड़ की प्रतिकृति छोटे में मिलेगी। काफ़ी लोग इस प्रकार के पौधे को अपने घर में रख भी रहे और अपने लैंडस्केप डिज़ाइन के प्लान में भी यूज़ हो रहे हैं।
बोनसाई पेड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। बड़ी बात यह है कि बोनसाई पौधे घर की सुंदरता के साथ सेहत का भी ख्याल रखते हैं, प्रदूषण कम होता है और घर का वातावरण भी ठंडा रहता है। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।